अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं मखंडी हलवा। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और सर्दियों के मौसम में इसको ज़्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं। ये ठंड से भी दूर रखता है और आपको सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2/3 कप हमने यहाँ पर ली है सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, इसको हम सबसे पहले सोक करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ सूजी ही दिखा रही हूँ इस वक्त में। तो ये 1 कप सूजी है हमारे पास में, इसे हम 3 गुना दूध डाल देंगे। तकरीबन 3 कप दूध भर भर कर इसके अंदर डाल देंगे। जितनी हमने सूजी ली है उसी हिसाब से हम इसमें 3 कप दूध डालेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर है, उबला हुआ है लेकिन ठंडा है। तो ये 3 कप हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए। उसके बाद में हम कुक करना स्टार्ट करेंगे। सूजी को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और इसको अब अच्छी तरीके से ये फूल चुकी है। ये देखिए आप, ये बहुत अच्छी तरीके से दूध के अंदर फूल चुकी है। तो अब हम इसका हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी चीज़ों में हमने 1 बड़ा कप भर के ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। इसमें है काजू, बादाम, अखरोट, हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर 1/4 कप के करीब ले लिया है, अलग से लिए है ये हमने किशमिश है ये हमारे पास में, और तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल भर कर है नारियल का बुरादा, यानी कि कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। और साथ ही हमें ज़रूरत होगी 1 बाउल भरकर हमने ले लिया है यहाँ पर प्योर घी। जिस कप से हमने सूजी को नापा था उसी कप से हमने यहाँ पर शुगर ले ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कम ली है क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता ज़्यादा हमारे घर में। तो इसके अलावा हमने 4 छोटी इलायची ले ली है। हमने यहाँ पर अलमूनियम की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो इसकी जगह ले सकते हैं नॉन स्टिक पैन, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा थोड़ा सा ये नीचे से चिपकने लगेगा, तो देखने में ये जो हलवा होता है थोड़ा गोल्डन कलर पर होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अलमूनियम की कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब घी को। 1 टीस्पून फुल भरकर हम यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, क्योंकि हमें इसके अंदर डालनी है सारे ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है कि ड्राई फ्रूट में बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है और देखने में भी वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर किशमिश को छोड़ देंगे, क्योंकि किशमिश डालने से क्या होगा कि ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारे नट्स को हमने तकरीबन 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे किशमिश भी, ताकि किशमिश भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और ये फूली फूली हो जाए। हमें सिर्फ इतना ही इसको फ्राई करना है। किशमिश बहुत जल्दी से फूल जाती हैं, इसीलिए हम इसको सबसे बाद में डालते हैं। तो मीडियम फ्लेम किया हुआ है इस वक्त मैंने, और इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे फ्राई होने में किशमिश को। बाकी सारे नट्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, किशमिश हमारी फूल चुकी है, तो इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी इसके अंदर से, तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। सारे नट्स हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर फिर से हम घी डालेंगे। घी हम थोड़ा सा बचाकर डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है इसके अंदर, वरना तो ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई खाता नहीं, फिर बच्चे नहीं खाते इसको, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी बचा दिया। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा से डाल दूँगी। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी को बचा दिया है, इसे हम बाद में डाल लेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे छोटी इलायची और शुगर, दोनों ही हम ऐड कर देंगे। दोनों ही इसी के अंदर जानी है और काफ़ी देर तक हमें शुगर को पकाना है मीडियम फ्लेम पर। इसका कलर एकदम गोल्डन हो जाना चाहिए। अगर इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हमारे हलवे का कलर भी बहुत ही अच्छा सा आएगा, गोल्डन गोल्डन सा। तो ये हमें इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ऐसे होने लगे जैसे कि कैरमलाइज होती है शुगर, उस तरीके के पकने लगे, तब तक हमें इसको पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। चीनी हमारी बिल्कुल घुल चुकी है, बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। तो इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है ताकि इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाए, जिससे कि हमारे हलवे पे इसका असर हो। तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अब स्लो कर देंगे फ्लेम को, स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको और इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे ताकि इसका कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चीनी का कलर हमारा काफ़ी डार्क हो चुका है, बस यही कलर हमको चाहिए था। तो इसके अंदर अब हम दूध में भीगी हुई सूजी ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे दूध में भीगी हुई सूजी को भी। अब इसे हल्के हाथ से इस तरीके से चम्मच चलाते हुए थोड़ा दूर से पकाइए, ताकि जो चीनी, दूध सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए।
इसमें गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। स्लो कर दीजिए फ्लेम को ताकि ये आसानी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, क्योंकि शुगर हमारी थोड़ी सी कैरमलाइज हो गई थी। ये देखिए आप कितना शानदार कलर आया है, बहुत ही शानदार कलर। अब इसे हम हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई गांठ वगैरह ना पड़े सूजी के अंदर। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और इस तरीके से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे और ये एक तरीके से चलता रहे। मतलब इसके अंदर कोई गुठली वगैरह तो अब नहीं रह गई हैं, लेकिन इसे हम तकरीबन बनाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन इस वक्त हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट भी ताकि वो भी पकता रहे और भूनता रहे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम जो बचाया हुआ घी था वो भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे घी कम लग रहा है। अब इसे फिर से हम चम्मच चलाना शुरू करेंगे और इसे तकरीबन हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे कि इसमें अच्छी तरीके से ये पकने लगे, क्योंकि हलवा हमारा पक ही रहा है। आप देख सकते हैं ये नीचे जैसे जैसे ये लगता रहेगा, इसको हम खुरच खुरच के इसी के साथ में मिक्स करते रहेंगे। इसका कलर गोल्डन सा हो जाना चाहिए, इसे हमें और पकाना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको और पकते हुए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। अब इसके अंदर हम सारे नट्स भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हलवा हमारा कंसिस्टेंसी है इसकी थोड़ी थोड़ी सी खिंचाई की तरफ आ रही है, तो इसमें हम सारे ही ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा देंगे गार्निश करने के लिए। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा ठहर ठहर कर चम्मच चलाएंगे ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगने लगे, क्योंकि इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है वही इसकी सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो उसी में होता है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा चम्मच रोक रोक कर चलाएंगे, तकरीबन 30-30 सेकेंड के लिए हम इसको रोक देंगे चम्मच चलाने से। फिर उसके बाद में हम इस तरीके से फ्लिप कर करके इसको पकाएंगे ताकि ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सा लगने लगे। मखांडी हलवे को बनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है फ्लेम। अब आप देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा घी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर से रिलीज़ होने लगा। ये देखिए आप, हमने बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर नहीं डाला था, इसी वजह से नहीं डाला कि ये बाद में फिर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो खाएँगे नहीं इसको इतना। इस हलवे को बनाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि ये चम्मच चलाना ज़्यादा पड़ती है और ये थोड़ी सी मुश्किल से चम्मच चलती है इस वजह से। अब आप देखिए हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए आप, तो इसे हम थोड़ी देर और करेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैं इसे स्लो फ्लेम पर भी इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लूँगी, क्योंकि इसे मुझे और थोड़ा सा खींचना है। हमारा मखांडी हलवा बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। आप अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और इसको रात को दूध के साथ में लें, सुबह चाहें तो नाश्ते में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको दूध के साथ में ले सकते हैं, सुबह चाय के साथ में भी ले सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको पसंद आती है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल रेसिपीज़ विद मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।